शुभम और रोली, आज आप पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में आए हैं। आपका केस आया था, बड़ा विवादित केस था, न्यायालय में विचाराधीन था, उसके बाद कप्तान साहब की अगुवाई में आज परामर्शदाताओं ने आपको परामर्श दी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। और अब आप दोनों लोग अब आपसी सहमति से रहने के लिए तैयार हैं? शुभम के अलावा रोली आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब आप दोनों लोग सकुशल रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय जी के लिए, हमारे कप्तान साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा बिछड़ता हुआ परिवार बता दिया। बहुत सुंदर। परामर्शदाता डॉक्टर शशि रंजना जी हमारे साथ में हैं, इस केस को डील कर रही थी कप्तान साहब के साथ में। आइए उनसे भी हम वार्ता करके इस बाइट को पूर्णता देते हैं। एक गंगा घाट का केस था, एक असोहा का, और दोनों बहुत टिपिकल थे और इसमें विदाई का मुकदमा भी डाला जा चुका था। और इनको सुलझाने में मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत यहाँ से हौसला अफजाई की जाती है। और कप्तान साहब की श्रीमती जी जो हैं काम्या कुलकर्णी जी, उन्होंने मेरा बहुत उत्साहवर्धन किया, साथ में बैठ के उन्होंने भी सुलझाया। और कप्तान साहब के निर्देशानुसार ये जो परामर्श केंद्र कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इन दोनों बच्चों को ये समझाया गया कि ये जीवन आपका जीने योग्य है और इसको झगड़े झंझट में डाल करके आप इसको बर्बाद मत करिए समय को। और इनको समझ में आ गया है कि विदाई का मुकदमा हटाने को तैयार है और आज इनका ये यहाँ से सहर्ष विदाई के लिए लिखा जा रहा है। और अब ये ले जाएंगे पत्नी को और सुखपूर्वक रखेंगे, कोई उत्पीड़न वाली बात कोई नहीं आएगी सामने। और दोनों संतुष्ट हैं इस बात से। मैं समझती हूँ परामर्श केंद्र की बहुत बड़ी सफलता है। आज परिवार परामर्श में कप्तान साहब की अध्यक्षता में और उनकी जो सहधर्मिणी है सहधर्मी काम्या कुलकर्णी जी की अध्यक्षता में कई जोड़ों की सकुशल विदाई हुई और ऐसे ऐसे जोड़े की विदाई संभव हो सकी जो बिल्कुल असंभव थी। साहब और मेम साहब, अपर साहब, सब ने पूरा समय दिया और सलाहकारों का पूर्ण उत्साहवर्धन भी किया। हम सभी सलाहकार उन आप सबका धन्यवाद देते हैं। उन्नाव पुलिस को आज विवादित जोड़ों की सफलता में बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिससे हम लोग हम सभी आप सबके आभारी हैं। अधिकारियों का हम लोगों को साथ मिलता रहा तो परामर्श केंद्र बहुत अच्छा कार्य करेगा। धन्यवाद। डॉक्टर आशीष महेश जी भी बहुत इसमें तत्पर रहते हैं हर कार्य में। और ये जोड़ा अगर जाएगा तो अब 2 हफ्ते बाद ये कुशलता बताने यहाँ फिर आएगा और इससे हम लोगों को फीडबैक मिलता है कि इन बच्चों के जीवन में खुशहाली है और किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न वाली बात अब नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। और हम उन्नाव पुलिस के मीडिया सेल से सुशील जी का, धनंजय जी का, प्रशांत जी का और प्रभारी भगत सिंह जुल्फिकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हर रविवार को हमारा अनुज जी बहुत अच्छा कवरेज करते हैं, जिसके माध्यम से सकुशलता प्राप्त होती है कि कितने जोड़ों की विदाई कराने में हम लोगों को आज और समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से दूर दूर तक ये प्रचार प्रसार भी होता है। आज आपको बुलाया गया था, आपके पति को बुलाया था, काफी दिन से जो विवाद चल रहा था आज उसको सुलझाया गया, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमको मेरे तरफ से है कि आप सब लोगों को और जब मेरा घर बिगड़ने से बच गया है, आप सब लोगों का धन्यवाद है। पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी मैडम श्रीमती काम्या कुलकर्णी जी, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जिन्हें आपको सुना, उनकी परामर्श से आपको संतुष्टि मिली? जी सर, हमको सबसे संतुष्टि। और आपके पति से आपकी वार्ता हुई? जी सर। दोनों लोग आपस में सहमति से आप लोग साथ रहने को तैयार हैं और विदाई आपकी यहाँ से हो रही है या घर से होगी? घर से होगी। पुलिस अधीक्षक महोदय जी और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय और काम्या मैडम के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरा घर।